जिला अस्पताल में व्याप्त खामियों पर कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरफाण ने नाराजगी व्यक्त की है। पूर्व विधायक ने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की छत से पानी टपक रहा है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। बिजली सप्लाई भी बाधित होने के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में जो वार्ड है, जनरल वार्ड है, रेल का स्थिति है, कहाँ कनेक्शन के द्वारा इसके ऊपर जो निर्माण कार्य हो रहा है, उस निर्माण कार्य की वजह से पिछले मई जून से लगातार बरसात है और बरसात के बावजूद जो छत से लीकेज जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तीमारदार और जो हमारे जो यहाँ पर पेशेंट है उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस स्तर पर हमारी जो है सीएमएस साहब से और एनएचएम के डायरेक्टर साहब आर राजेश जी से अभी मेरी बात भी हुई है और उन्होंने कहा कि भाई तत्काल यहाँ की वीडियो बना के मैं भेजूँ और मैं जो पत्रावली लगातार यहाँ से चल रही है विभाग को, उसको प्रकरण से भी मैं उनको अवगत कराता हूँ। और ये जो स्थिति हम देख रहे हैं वस्तु स्थिति, उससे जिलाधिकारी महोदय को भी और आर राजेश साहब को भी मैं तत्काल इसको अवगत कराऊंगा और मेरे को विश्वास है ये इस पर काम करेंगे। अगर नहीं करेंगे फिर आगे की जो फर्दर कार्रवाई है उसको हम लोग आगे विस्तार करेंगे। पूर्व विधायक ने चेतावनी दी है कि यदि जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव को भी फोन से अवगत कराया है। जिला अस्पताल बागेश्वर में केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना एनएचएम के द्वारा 32 बेड का ये जिला अस्पताल का ये परिसर बन रहा है और मई माह से ठेकेदार के द्वारा मात्र कॉलम खड़े करके, स्ट्रक्चर खड़े करके ठेकेदार का कोई अता पता नहीं है। और जबकि आज जब हम लोग जिला अस्पताल के निरीक्षण में यहाँ पर पहुँचे, जिला अस्पताल की कुछ जो सीसीटीवी कैमरे में कुछ दिक्कतें थी उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे, तो हमने जब वार्डो में जो अव्यवस्था देखी कि पानी जो लेंटर से आ रहा था, लेंटर से पानी लीकेज हो रहा था, जहाँ पर तीमारदार थे, पेशेंट थे, बैठे हुए थे और उनके बेडों के नीचे पूरी पानी से लबालब पूरा कमरा बेड से था, वार्ड थे, वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा। तो इस स्तर पर जब हमको जानकारी मिली तो पता लगा कि यहाँ पर 32 बेडों बेड का एक नया सृजित हॉल बन रहा है जो अभी तक 6 माह से अभी तक तैयार नहीं हो पाया है और मात्र आप देख रहे हैं पूरा खाली स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा किया गया। तो हम चाहते कि भाई इस संबंध में आर राजेश जी में हमारी बात हो गई, जिलाधिकारी महोदय से भी मैं बात करना चाह रहा था, जिलाधिकारी महोदय का स्विच ऑफ है और जब हम जिले में बात करना चाहते तो फिर किसकी किसके सामने अपनी बात को रखें। और इस समय 5:27 है और मैं जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन लगा रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय का 94120077 जो है स्विच ऑफ है। तो भाई किसके सामने हम लोग अपनी व्यथा को बताएं, ये हाल हम जिला यहाँ पर देख रहे हैं। और जबकि जिला प्रबंधन समिति की बैठक होती है, स्वास्थ्य प्रबंधन समिति की बैठक होती है और तब भी ये मुद्दे आते होंगे, तब भी इन मुद्दों पर चर्चा होती होगी, लेकिन जिस हालात में स्वास्थ्य महकमे माननीय मुख्यमंत्री के पास है, 15-15 दिन उपचुनाव में बागेश्वर रह के माननीय मुख्यमंत्री जी गए और बागेश्वर के कोई भी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, जिम्मेदार लोगों ने अभी तक जो ये अव्यवस्था जिला अस्पताल में यहाँ पर हो रही उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को नहीं बताया। तो हम चाहते हैं कि भाई आपके चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारी बात अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है, जो ये केंद्र की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है एनएचएम के द्वारा, इस योजना का लाभ तत्काल जनता को दें और ये जो 32 बेड का अस्पताल ठेकेदार की लापरवाही से अभी तक नहीं बन पाया है उसमें तत्काल ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके इसी बागेश्वर में उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और मुकदमा लिख के जनता को बताया जाए कि भैया आपके ठेकेदार इस टाइप के काम करते हैं और इनके खिलाफ हमारी ये कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं फिर हमको लगेगा कि भाई हमको राहत मिली है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जनता को राहत मिले। यहाँ पर भी लीक हो रहा है पूरा और जिसकी वजह से पूरा पानी पूरा नीचे पानी पड़ रहा है और बेड में ऐसे लोग, ये हालत है डबल इंजन की सरकार में पूरा पानी लीकेज हो रहा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और पानी से लबालब यह है ना माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय है ना स्थानीय विधायक जी
जो यहाँ से चुन के गए हैं उनके पास समय है। अगर समय होता तो डबल इंजन की सरकार जब 15-15, 20-20 दिन यहाँ पर चुनाव में खड़ी थी, इस अस्पताल की भी हालत देखती और यहाँ के लोगों के दर्द को समझने की कोशिश करती। लेकिन मुझको नहीं लगता कि भाई इस डबल इंजन की सरकार में जो स्वास्थ्य महकमा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है उनको बागेश्वर जनपद के बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की ओर देखने का कोई अवसर मिल रहा होगा। तो ये हालात हमारे सामने हैं जिसको हम लोग बयां कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य सोशल साइटों के माध्यम से। हम चाहते हैं कि तत्काल इसका समाधान हो और जो ठेकेदार है उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।